मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत विशेष सम्मेलन न्यू गल्ला मंडी प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक जोड़ों को नगरीय प्रशासन द्वारा 49,000 रुपए का चेक भेंट स्वरूप दिया जाएगा, साथ ही गृहस्थी का सामान दिया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष नीना नवनीत नागपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत निर्धन, जरूरतमंद, निराश्रित कन्या, विधवा, परित्यक्ता का सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम का नगर पालिका परिषद पिपरिया द्वारा गल्ला मंडी पिपरिया परिसर में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत वैवाहिक कार्यक्रम में कन्याओं को 49,000 रुपए का चेक दिया गया, साथ ही पायल, बिछिया, मंगलसूत्र के साथ घरेलू सामान दिया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह संपन्न होने पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिया जाएगा। खास बात ये रही, आजाद वार्ड के संपन्न पार्षद राजा सोनी ने भी अपनी बिटिया पूजा सोनी का विवाह इस योजना में कर पहल की। इस दौरान विधायक ठाकुरदास नागवंशी, नगर पालिका अध्यक्षा नीना नवनीत नागपाल, मंडल अध्यक्ष बलराम ठाकुर, जिला दिशा निगरानी समिति सदस्य भारत सरकार अरविंद राय, नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष परते, पार्षद राजा सोनी, नरेंद्र पटेल, हेमंत मन्नावार आदि पार्षद उपस्थित रहे, साथ ही नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पूर्व मंगलवारा थाने से बैंड बाजे डीजे की धुन पर बारात को शहर के मुख्य मार्गों से निकालकर मंडी परिसर तक ले जाया गया। महाराज से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीना नवनीत नागपाल ने दूल्हों की बस के टायर में श्रीफल रखकर बारात को विदा किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत यहां पे सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि 45 जोड़ों का विवाह कराया गया और सभी वर्ग के लोग इसमें हुए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। एक इटारसी की सोनी जी है जो अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे सामूहिक विवाह में अपना शादी कराई अपनी बच्ची की। एक पार्षद थी उन राजा सोनी जी, जो 3 बार के पार्षद हैं, उनको भी हमने समझाया तो वो भी तैयार हुआ और उन्होंने भी अपनी बिटिया की शादी यहीं से कराई। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।